नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें और चौधरी देवीलाल की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवाली। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चौधरी देवीलाल की कालिया जेलर से मुलाकात, कालिया जेलर से आमना सामना और जेल में ही चुनाव जीतने की कहानी को जानेंगे। दोस्तों, चौधरी देवीलाल को अंग्रेजों की पुलिस ने आजादी के आंदोलन में भाग लेने की वजह से चोटाला गांव में उनको गिरफ्तार करने वो जब पहुंची थी और वहां से जब उनको गिरफ्तार उन्होंने किया तो उनकी जेब में 100 रुपए थे और हिसार से मुल्तान जेल ले जाते समय जाखल रेलवे स्टेशन पर बालासर गांव के सरदार राम सिंह ढिल्लो उनको रेलवे स्टेशन पर मिल गए। सरदार साहब वैसे तो गांव की विरोधी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, पर नौजवान देवीलाल से उनको हमदर्दी थी और देवीलाल को जब पुलिस की हिरासत में उन्होंने देखा तो धीरे से पूछा कि काका, पैसों की जरूरत हो तो बता दे, मेरे पास है। देवीलाल बोले कि मुल्तान जेल में जा रहा हूँ, न जाने कितने लोगों से, कब घर वालों से मुलाकात होगी, अगर आपके पास सरदार जी पैसे हों तो मुझे दे दो। सरदार राम सिंह ने 200 रुपए अपनी जेब से निकाले और चुपके से देवीलाल के हाथों में थमा दिए। उस समय 200 रुपए दोस्तों आज के 2 लाख रुपए जितनी अहमियत रखते हैं। और वो 200 रुपए अपनी मुट्ठी में पकड़ने के बाद देवीलाल ने पुलिस की नजरों से बचाकर उनको अपना कोट के कंधे फाड़कर वहां पे वो पैसे छिपा लिए। और अक्सर वो अपने जो जेल के अनुभव हैं वो अपने साथियों को बताया करते थे। राजनीति में जब वो आए उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये जेल वाले प्रसंग सुनाए हैं। और रवि चौटाला जी हैं जो उनके PSO रहे हैं, उनके परिवार के ही सदस्य हैं, उन्होंने उनसे भी कभी मुलाकात होंगे, उनको भी काफ़ी किस्से उन्होंने बताए। और जब उनको गिरफ्तार करके जो ले गया था वो जो थानेदार था उसका नाम पंडित द्वारका प्रसाद था और वो बहुत बहादुर आदमी था। और उस समय जो पुलिस अधिकारी थे उनकी जो देशभक्तों के प्रति एक हमदर्दी भी होती थी। और जब चौधरी देवीलाल की गाड़ी भटिंडा अभोर को पार करती हुई समाना जट्टा एक स्टेशन है वहाँ पर पहुँची तो जो थानेदार साहब थे पंडित द्वारका प्रसाद वो बोले कि भाई अगली गाड़ी थाने में आने में पाँच छः घंटे बचे हैं और अगर आप लोगों को कहीं घूमना हो तो घूम के आ सकते हो। अथकड़ियाँ उन्होंने पहले ही खोल रखी थी और इसके बाद जो देवीलाल जी थे वो अपने साथियों के साथ घूमने चले गए और मुल्तान जाने वाली गाड़ी आने से पहले रेलवे स्टेशन पर लौट आए। लौटकर आने के बाद चौधरी देवीलाल ने उनको एक जिज्ञासा मन में हो गई थी कि इतना दिलदार थानेदार ये कैसे है, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी अगर हम भाग जाते तो आप क्या करते। तो ये सुन के जो थानेदार थे वो बहुत ज़ोर से हंसे और कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम्हारे मुँह पर थोड़ी लिखा हुआ कि तुम देवीलाल हो, अगर तुम ना आते तो मैं किसी और को पकड़कर सिर पर गांधी टोपी पहनाकर तुम्हारी जगह उसको जेल भेज देता, यह किसने पूछना था कि असली देवीलाल कहाँ चला गया। तो इतना दिलदार थानेदार वो थे जो उनको लेकर जा रहा है। हालांकि आज के दौर में यह संभव नहीं है, लेकिन उस समय था क्योंकि तब कोई कंप्यूटर का जमाना नहीं था, फिंगरप्रिंट का दौर नहीं था। और उस समय तिरंगा लहराने की रस्म कांग्रेस के जो नेता थे, उर्दू अखबार के संपादक होते थे श्री यश जी, उन्होंने निभाई थी और जेल अधिकारी इस बगावत को सहन नहीं कर पाए। और कालिया जेलर की मूछों का यह सवाल था कि जेल में होते हुए इन्होंने कैसे आज़ादी दिवस मना दिया जबकि देश में तो अंग्रेजों का राज है। तो कालिया जेलर ने कैदियों पर लाठी चार्ज करवा दिया और देवीलाल जी और उनके जो बड़े भाई थे साहब राम जी उन समेत उन तमाम कैदियों को खूब मारा पीटा गया जिन्होंने तिरंगा झंडा जेल में लहराया था। और सरदार दरबारा सिंह जो थे वो जेल अधिकारियों की इस दमनपूर्ण नीति के खिलाफ 9 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गए। मुल्तान जेल में 5,000 राजनीतिक बंदियों में से 400-500 जो बंदी थे वो पंजाब के थे और यहाँ भी जो नेतृत्व का सवाल था उसमें पंजाब के जो पंजाबी भाषा के थे वो हिंदी भाषी जो राजनीतिक कैदी थे उनसे उनका विवाद कई बार हो जाया करता था। और देवीलाल जी ने पंजाब के राजनीतिक कैदियों पर अच्छा प्रभाव शुरू से बना लिया था, परंतु पंजाबी प्रदेश के जो राजनीतिक बंदी थे वो हरियाणा के राजनीतिक बंदियों को कोई खास सम्मान नहीं दिया करते थे। उसके अलग अलग कारण हैं,
और भाषा के मुद्दे पर हम हमेशा बटे हुए लोग हैं, आजकल तो धर्म के नाम पर भी बटे हुए हैं। और उस दौरान हरियाणा के कैदियों को जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो बीड़ी को लेकर आ रही थी, क्योंकि उनकी बीड़ी पीने की लत थी। और जो पंजाबी सूबे के प्रदेश के जो लोग थे या जो जिसको आप पंजाबी भाषा बोलने वाले कहें, वो बीड़ी नहीं पीते थे और जेल में बीड़ी पीने की पाबंदी थी। इसलिए बीड़ी पीने के आदत वाले हरियाणवी बंदी अपने हिस्से की जो खांड मिला करती थी उनको, उसको बेचकर बीड़ियों का जुगाड़ करते थे। और दीवान चमन लाल जैसे जो पंजाब के बड़े नेताओं का जेल अधिकारियों में अच्छा रसूख था, और बीड़ी उसी रसूख के थरी आनी होती थी। इसलिए बीड़ी की लत के मारे जो हरियाणा क्षेत्र के राजनीतिक कैदी थे वो पंजाब के जो नेता थे उनकी खुशामद किया करते थे। देवीलाल जी ये देख के बहुत नाराज होते थे कि बीड़ी के लिए किसी की क्या खुशामद करना, इसका जुगाड़ तो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। और इस मौके पर उन्होंने अपने पास जो सरदार राम सिंह से जो पैसे उन्होंने लिए थे वो उनके बहुत काम आए, और उन्होंने हरियाणा के बंदियों से कहा कि अगर आपको बीड़ी चाहिए तो मेरे पास आ जाया करो, मैं इंतजाम करूंगा, लेकिन बीड़ी के लिए पंजाब के किसी नेता की खुशामद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये तो वही बात होगी कि भूखे आदमी को रोटी की गारंटी मिल जाए, और अपनी जो लत थी वो देवीलाल जी से पूरी हो सकती है तो किसी से क्या खुशामद करनी। और इसके बाद चौधरी देवीलाल ने जेल में जो बीड़ियों के बंडल हैं वो मंगवाना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर जो जेल के वार्डन थे वो ये काम किया करते थे, लेकिन लीगली नहीं था, सारा काम इलीगल था वो, और खुद उनको बांटने का काम उन्होंने संभाल रखा था। जेल अधिकारियों को सारी जानकारियां थी, लेकिन तब तक चौधरी देवीलाल का दबदबा इतना ज़्यादा हो गया था कि वो देवीलाल से उलझने से बचते थे, क्योंकि वो जानते थे बहुत बड़ी संख्या में जो कैदी हैं वो देवीलाल जी के प्रभाव में आ चुके थे। एक उनका हट्टा कट्टा शरीर हमेशा उनके काम आया, और जो लोग बीड़ी पीते थे वो सब चौधरी देवीलाल के फैन हो गए। और बताते हैं कि चौधरी देवीलाल वहाँ जो पानी पीने के मटके थे उनको उन्होंने ज़मीन में दबा रखा था और उसमें वो बीड़ियाँ अपनी रखा करते थे। और उस समय जेल में भी जो कैदी थे उनके बीच नेतृत्व के चुनाव हुआ करते थे, और चौधरी देवीलाल ने जो अपने बड़े भाई हैं सावराम उनको नेतृत्व के जो चुनाव हुए उनमें खड़ा कर दिया। ये पहली बार था जब हरियाणा क्षेत्र से कोई आदमी चुनाव में खड़ा हुआ था, वो भी जेल में। और इस चुनाव में जो मत देने का अधिकार था वो जेल अधिकारियों ने कुछ गिने चुने बंदियों को दे रखा था। और आप हैरान होंगे कि चुनाव में चौधरी सावराम के मुकाबले में पंजाबी जो धड़ा था उसकी तरफ से प्रधान पद के लिए बहुत बड़े नेता उस समय हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, केदारनाथ सहगल को खड़ा किया गया था। तो कहाँ तो केदारनाथ सहगल और कहाँ सावराम जी। लेकिन आप हैरान होंगे कि जब रिजल्ट आए तो केदारनाथ सहगल जी को केवल 3 मत मिले और चौधरी सावराम को 14 वोट मिले थे। और इस प्रकार चौधरी सावराम बड़े बहुमत से जेल में बंदियों के जो प्रधान थे वो निर्वाचित हुए थे। और दोस्तों इस जो घटना है इसके बाद चौधरी देवीलाल का ये मन बना था कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं अलग हरियाणा भी बना सकता हूँ, क्योंकि इसका साफ मत है कि हरियाणा के लोग अपना नेतृत्व चाहते हैं। और 1952 में पंजाब विधानसभा का सदस्य बनने के बाद वो अलग हरियाणा की अपनी इस मुहिम को हवा देने में जुट गए थे। और एक दिन वो भी आया 1966 में जब अलग हरियाणा बना, और इसके बाद जो चौधरी देवीलाल हैं उनकी जो जेल यात्रा हुई, और इस जेल यात्रा में आपने एक मुलाकात का जिक्र पिछले वीडियो में मैंने आपसे किया था कि चौधरी देवीलाल की छोटराम से एक मुलाकात होती है जेल जाते समय। लेकिन इसके बाद एक मुलाकात और उनकी चौधरी छोटराम से होती है दोस्तों, और वो चौटाला गांव में ही होती है। और वो जो मुलाकात थी उसकी भी दिलचस्प कहानी है दोस्तों, वो कहानी भी मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो चौटाला गांव में चौधरी देवीलाल और चौधरी छोटराम की जो मुलाकात थी उस कहानी को जानने के लिए आप कल का वीडियो जरूर देखना दोस्तों। चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं वो आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि इस पक्ष से जुड़े हुए कुछ और लोग, जैसे रवि चौटाला जी ने कल कमेंट कर रखा था वो उनके PSO रहे हैं, तो जल्दी सिरसा जाके उनका भी इंटरव्यू किया जाएगा ताकि इसी सीरीज में उनके जो समण हैं वो डाले जा सकें। और आपके भी अगर चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए अनुभव हों तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों।